जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, जब से सुजलॉन एनर्जी कंपनी के क्वार्टर के नंबर आए हैं, नंबर काफ़ी अच्छे आए हैं और उसके बाद शेयर में एक शानदार तेजी देखने को मिली है। सब कोई सिर्फ और सिर्फ सुजलॉन एनर्जी की ही बात कर रहा है, जबकि इस कंपनी की बात कोई नहीं कर रहा है। जबकि मेरा मानना है कि ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो सुजलॉन एनर्जी से ज़्यादा रिटर्न आपको निकाल कर दे सकता है, और इस कंपनी का फंडामेंटल कुछ मामलों में सुजलॉन एनर्जी से ज़्यादा बेहतर है। इसलिए इस कंपनी के बारे में भी बात करना जरूरी है। मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लेकिन शुरुआत शुरू से करते हैं। अभी देखेंगे तो ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी का जो शेयर प्राइस है 8.95 रुपये पर इसने अपना क्लोजिंग दिया है। मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ, और एक दिन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई तेजी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ पर इस कंपनी का शेयर प्राइस ओपन हुआ था वहीं पर तकरीबन इसने अपना क्लोजिंग दे दी। और जब इस तरह का सिचुएशन बनता है तो यहाँ पर कोई आपको तेजी या ग्राउंड देखने को नहीं मिलता है। पिछले 5 दिन की बात करें, यानी कि 1 सप्ताह, तो 1 सप्ताह हम देखेंगे तकरीबन ये स्टॉक आपको 2.25% के आसपास टूटते हुए दिखेगा। पिछले 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में भी वही हाल है। 1 मंथ पहले प्राइस ओपन हुआ था वहीं पर क्लोजिंग दे दिया। 6 मंथ में देखेंगे तो तकरीबन 7.5% के आसपास स्टॉक आपको टूटते हुए जरूर दिखेगा। अब यहाँ पर हम ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड जो कंपनी है, इसका सबसे पहले चार्ट देख लेते हैं। चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं कि आने वाले शॉर्ट टर्म में इस कंपनी में क्या गिरावट हो सकता है या इसका शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। फिर सुजलॉन एनर्जी और इस कंपनी का कंपेरिजन करके एक बेहतर स्टॉक की तलाश करेंगे। तो अभी देखें, यहाँ पर मैंने 1 साल का चार्ट ओपन किया, और 1 साल के चार्ट पर जो आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस कंपनी का शेयर प्राइस जो काफ़ी दिनों से एक कंसोलिडेशन रेंज में आपको देखने को मिलेगा, और वो कंसोलिडेशन रेंज तकरीबन ये 10 रुपये से लेकर यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे तो 8 रुपये, यानी कि ये देख सकते हैं जुलाई 2022 से लेकर और अभी मई 2023 चल रहा है, देखेंगे मतलब साल भर तकरीबन होने जा रहे हैं, साल भर से स्टॉक एक ही कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग काम की बात करते हैं। देखिए, अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस स्पष्ट रूप से देखेंगे तो 10 रुपये से लेकर 9 रुपये के बीच में आपको कंसोलिडेट करते हुए दिखेगा, यानी 9 रुपये के आसपास, यानी कि अपने सपोर्ट के पास ही इसका प्राइस काफ़ी दिनों से घूम रहा है। अब चिंता की बात यह है कि यदि चूंकि ये सपोर्ट के पास घूम रहा है तो कंसोलिडेशन से जब बाहर निकलेगा ना, तो जब सपोर्ट के पास होता है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करने की। तो ये उतनी चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि यदि नीचे की तरफ इस कंपनी का शेयर प्राइस ब्रेक डाउन करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है 8 रुपये के आसपास, क्योंकि 8 रुपये के आसपास ही इस कंपनी का एक अगला सपोर्ट है। तो 9 रुपये से 8 रुपये आ जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा, लेकिन चूंकि इस कंपनी के फंडामेंटल मजबूत हो रहे हैं और ये जिस क्षेत्र में काम करते हैं, मैं आपको बताऊँगा, उसमें ये कंपनी इंडिपेंडेंट है, किसी पर ये कंपनी डिपेंड नहीं है, इसलिए इस कंपनी का शेयर प्राइस भले आपको शॉर्ट टर्म में नीचे आते हुए दिखे, लेकिन लंबी अवधि में इसमें तेजी जो बनेगी वो ऊपर की तरफ ही जाएगी। इस कंपनी का शेयर प्राइस नीचे से आकर जो रिवर्स मार्क ऊपर की तरफ उठेगा तो बहुत जल्द इस कंपनी का शेयर प्राइस 11 से लेकर 15 रुपये तक आपको जाते हुए दिख सकता है। तो ये तो टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से लोग बातों को समझ गए। अब चलिए काम और फंडामेंटल के बदलाव समझते हैं कि इस कंपनी में लंबी अवधि में तेजी कब बनेगी और कितना बनेगी। तो देखिए, यदि ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड का हम लोग काम की बात करें तो ये सबसे पहले कंपनी इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर है रिन्यूएबल एनर्जी की, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। और जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ विंड टरबाइन और सोलर पैनल बनाने से नहीं है, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में और जितने तरीकों से कंपनियां बिजली पैदा कर सकती हैं, बना सकती हैं, जो जो चीज़ें बना सकती हैं इंडिपेंडेंट रूप से ये कंपनी वो सारी चीज़ें बनाती है, ये किसी दूसरे अन्य कंपनी पर डिपेंड नहीं है। अब चलिए इस कंपनी में लोग फंडामेंटल की बात कर लेते हैं। देखिए, फंडामेंटल देखेंगे तकरीबन 676 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप है, जो कि काफ़ी शानदार है, और मार्केट कैप के लिहाज से कंपनी पेनी स्टॉक की श्रेणी में नहीं आएगी, बल्कि स्मॉल कैप श्रेणी में ये कंपनी आपको गिना जाएगा। करंट प्राइस देखेंगे इस कंपनी का तो 9 रुपये के आसपास चल रहा है, और इसके बुक वैल्यू से चूंकि शेयर प्राइस अधिक है तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। हमेशा शेयर प्राइस बुक वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए, और रिटर्न ऑन इक्विटी और ROCE देखेंगे तो ये काफ़ी कमाल का है, माइनस में नहीं है। चूंकि आजकल ज़्यादातर जो पेनी स्टॉक देखेंगे तो उनका ROE माइनस होता है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट पर ये कंपनी साल भर में कुछ ना कुछ आपको कमा कर दे ही देगी। अब यहाँ पर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लेते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट से स्पष्ट होता है कंपनी के फंडामेंटल धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं या नहीं। तो देखिए, सेल्स देखेंगे तो अभी जो मार्च क्वार्टर रिजल्ट आया, यानी कि जो Q4 का रिजल्ट आया, उसमें इस कंपनी के सेल्स आपको बढ़ते हुए दिखे हैं। पिछले क्वार्टर में 28 करोड़ था, जो अभी बढ़कर 44 करोड़ के आसपास हो गया। हालांकि उसके पहले 2-3 क्वार्टर के मुकाबले अभी भी इसका सेल्स कम हुआ है, लेकिन जिस तरीके से कंपनी के Q3 के नंबर कम आ गए थे उसमें काफ़ी ज़्यादा इसके इन्वेस्टर डर गए थे, लेकिन वो ये टेंशन अब Q4 में दूर हो गया है। और उसके बाद अब जितने भी क्वार्टर के नंबर आएंगे, उम्मीद करता हूँ कि इसके मुकाबले, यानी कि हर एक पिछले क्वार्टर मुकाबले ज़्यादा ही आएंगे। हालांकि कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर नहीं बढ़ा है, इसके पीछे की वजह यह है कि चूंकि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो कंपनियाँ काम करते हैं उनमें खर्चा ज़्यादा लगता है, तो खर्चे ज़्यादा लगते हैं इसलिए इस कंपनी का नेट प्रॉफिट इस बार बढ़ते हुए नहीं दिखा है, माइनस में चला गया है। मैं आपको दिखाऊंगा ये माइनस में क्यों गया है। यहाँ पर ये देखेंगे, ये देखिए, ये रहा इस कंपनी का कर्जा, और देखेंगे यहाँ पर तकरीबन कर्जे कम होते हुए दिखे हैं 1091 करोड़ के आसपास, जो पहले 1216 करोड़ के आसपास था, यानी कि जो कंपनी की जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट कंपनी अपने डेब्ट को कम करने में लगा रही, इसलिए कंपनी अभी
लॉस में चली गई, दूसरा कोई वजह नहीं कंपनी के लॉस में जाने का, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है। तो एक बात स्पष्ट है, कंपनी के फंडामेंटल मजबूत हो रहे हैं और ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उसमें इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है, तो इस लिहाज से भी कंपनी का भविष्य आने वाले समय में काफ़ी सुनहरा है। तो ओरिएंट ग्रीन पावर आपके पोर्टफोलियो में दिया है तो बहुत बढ़िया बात है, आप इसको संभाल कर रखे रहिए। नहीं है तो आप अपने रिसर्च और एनालिसिस के बदलो जिसमें एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पेने स्टॉक की श्रेणी में ही लोग इस कंपनी को गिनते हैं। तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, अपने रिसर्च एनालिसिस करने के बाद जितना पैसा आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो उतना पैसा इस स्टॉक में लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ओरिएंट ग्रीन पावर के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई सवाल या कन्फ्यूजन है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।